शेर आपके और इन प्यारे हजरात की नजर करूंगा। उमर दुनिया में भी हुजूर का खादिम, कब्र में नबी का पड़ोसी और हशर में भी हुजूर का खादिम होगा। अब हाफिज साहब, हशर के मैदान में उमर की खिदमत क्या होगी वो बताने लगा हूं। जब खिदमत सुनोगे तो दिल करेगा कि हवा में उड़ के उमर की अजमत को सलाम पेश करूं। खुल्द की राह के राहबर को उमर कहते हैं, खुल्द की राह के राहबर को उमर कहते हैं। अदलो इन मैं जिसका नाम लेने लगा हूं ना भाई, उसको कहते उमर रजी अल्लाह ताला। मैं हिजरत कर रहा हूं जिसमें जुर्रत है मुझे रोके, मैं हिजरत कर रहा हूं जिसमें जुर्रत है मुझे रोके। तुमको उर्दू आंदी है ना। मैं हिजरत कर रहा हूं जिसमें जुर्रत है मुझे रोके। उमर फारूक का काबा में तेवर बोल उठता है। और उमर कत्ल करने को जाते हो जाओ, बहन ने कहा पर मेरी माँ ने जाओ, अगर देख लेगा तू रूए मोहम्मद तो तुमको भी ईमान लाना पड़ेगा। लेकिन हाथ जोड़ के कहता हूँ भाई, खुदा के लिए उमर को दाद दो तो उमर के अंदाज में दो। सुभानअल्लाह माशाल्लाह, ये उमर का अंदाज नहीं है, सही गरजदार अंदाज में, सही वाले हाना अंदाज में। और वैसे भी शैतान शार्ट हो गया होगा तकरीबन, तो आप में मजीद चुस्ती आ जाएगी ना। मैं उमर आते ही शैतान दफा हो जाता है, रफू चक्कर हो जाते, इधर रही मियार खान के बाजार में कहीं बैठा होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं है। सही है भाई, तो आए उमर का नाम ऐसा है कि रात 3 बजे भी ये कलाम पढ़े बंदा चुस्त हो जाए। हाफिज साहब ये कलाम बड़ा प्यारा मुझे, मैं एक जमाने से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ और इसी कलाम पे खत्म करता हूँ। सही है, और ये पहला शेर इन हुफ्फाज की नजर करूंगा क्योंकि आपका खत्म कुरान है कि हिमायत में जिसकी उतर आया कुरान, अल्लाह अकबर, वो हजरत उमर है। हिमायत में जिसे की उतर आया कुरान, अल्लाह अकबर, वो हजरत उमर शहे अंबिया को नजर आई, जिसे में सिफात पयंबर, वो हजरत उमर है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और दुआई जो आदम, हाफिज साहब हर शेर के पीछे एक दास्तान है। दुआई जो आदम ने मांगी थी रो कर हमारे नबी का वसीला था उनमें, दुआए जो आदम ने मांगी थी रो कर हमारे नबी का वसीला था उनमें, हमारे नबी रब से मांगा दुआओं में रो कर, वो हजरत उमर है। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, माशाल्लाह। और समाअत कीजिए मेरी जान मेवाती साहब, क्या कहने आपके, सुभान अल्लाह। शायर क्या खूब लिखता है कि दिया जिसकी फौजों को दरिया ने रसता, वो मूसा खुदा के पयंबर थे, लेकिन दिया जिसकी फौजों को दरिया ने रसता, वो मूसा खुदा के पयंबर थे, लेकिन गया जंग लड़ने जो पानी पे चल कर, वो
था जिसका नशे कर वो हजरत उमर है। और नसीदीक जैसी इमामत किसी की न हैदर की जैसी नमाज किसी की, न सिद्दीक जैसी इमामत किसी की, न हैदर की जैसी नमाज किसी की। मगर याद करता है शिद्दत से जिसको नबी का ये मिंबर वो हजरत उमर है। अब सब आखिरी शेर, इसके बाद पठान रफू चक्कर हो जाएगा। ये शेर आपके और इन प्यारे हजरात की नजर करूंगा। उमर दुनिया में भी हुजूर का खादिम, कब्र में नबी का पड़ोसी, और हशर में भी हुजूर का खादिम होगा। अब हाफिज साहब अशर के मैदान में उमर की खिदमत क्या होगी वो बताने लगा हूं। जब खिदमत सुनोगे तो दिल करेगा कि हवा में उड़ के उमर की अजमत को सलाम पेश करूं। उड़ तो तू सकता नहीं है, लेकिन मैं आपको नहीं कहूंगा कि आपने खड़े होके उमर को दाद देने। मेरे मेहमान आ गए भाई, वरना वल्ला इस शेर में आज तक मैंने कोई प्रोग्राम ऐसे नहीं किया जिसमें बंदा खड़ा ना हुआ। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने अपनी मोहब्बत ऐसी दिखानी है कि मैं समझूं कि ठुल हमजा वालों ने अपना ऐसा इश्क उमर दिखाया है कि मजा आ गया है। हाफिज साहब आपका कलाम उमर जर्रा आया है, उमर का नाम ही ऐसा है कि वो पीछे नहीं होता। ये शेर उस कलाम की नजर, आपकी नजर, इन अकाबरीन की नजर, खाकी साहब की नजर, इन तुलबा की नजर। शायर क्या लिखता है, आपने बस इश्क उमर दिखाने, तो मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक आपको उमर की गैरत से थोड़ा सा टुकड़ा अदा कर दे हम सबको। समात कीजिए कि नहीं साथ छोड़ेंगे महशर के दिन भी मोहम्मद की खिदमत में हाजिर रहेंगे, नहीं साथ छोड़ेंगे महशर के दिन भी मोहम्मद की खिदमत में हाजिर रहेंगे। वहां पर जो आका, वहां पर जो आका, वहां पर जो आका को भर भर के देंगे कटोरों में कौसर, वो हजरत उमर है।